हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। ये प्रश्न बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। आपको इस तरह की आंसर शीट मिलेगी, किस तरह से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, क्योंकि जो मार्क्स मिलते हैं वो अटैम्प्टेशन के मिलते हैं, तो इस तरह से आपको अटैम्प्ट करना है। देखिए, आइए करते हैं। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका डायग्राम ड्रा कीजिए इमेज फॉर्मेशन का, इसकी मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन कीजिए और इसके लिए एक्सप्रेशन निकालिए। तो सबसे पहले क्या देखो, व्हाट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो पूछा जाता है परीक्षा के अंदर आपको उतना ही जवाब देना है। पॉइंट टू पॉइंट जितना पूछा जाए उतना आंसर दे। तो व्हाट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इट्स एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्जर्व ए हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल्स जो एक छोटे से छोटे पार्टिकल को बड़ा करके दिखाता है। तो सबसे पहले डिफाइन कीजिए इसको, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू ऑब्जर्व ए हाईली मैग्निफाइड फाइड इमेज ऑफ ए स्मॉल, आप इसको टीनी भी लिख सकते, टीनी ऑब्जेक्ट। तो क्या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एक छोटे से छोटे टीनी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके अंदर होता क्या है, जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप इसकी इमेज ड्रा कर सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, दो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, कन्वेक्स लेंस हमारे कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, जिसमें पहले वाले को जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, इसकी स्मॉल फोकल लेंथ स्मॉल एपरेचर होती है। जो सेकंड वाला आपका लेंस होता है, जो आपकी आईज़ के पास होता है, उसको हम आई पीस कहते हैं, जिसकी मॉडरेट फोकल लेंथ एंड लार्ज एपरेचर होती है। इसके बारे में लिख सकते हैं आप, पहले आप डायग्राम ड्रा कर लीजिए या उससे पहले भी लिख सकते हैं। तो देखिए, पहले डायग्राम ड्रा करते हैं। आपको क्या करना है, इसी तरह की आपको सीट मिलेगी, आपको इसी तरह की लाइन देख के, जैसे बी एच सी में आपको ये ले लेना है, इस तरह से ये आपकी मेन लाइन हो गई है। आपको पेंसिल से बनाना है, आपको विजिबल दिखाई दे, इसलिए मैं क्या है स्केच पेन यूज़ कर रहा हूँ। अब आपका पहले आपका ऑब्जेक्टिव, तो जो ऑब्जेक्टिव क्या बताया, स्मॉल फोकल लेंथ स्मॉल अपरेचर, तो कुछ इस तरह से करना है। आप दो या दो से ज़्यादा ले लीजिए, ऐसे यहाँ पे देखिए, ये आपकी दो लाइन ऊपर, ये लगभग आस पास यहाँ ले लेते हैं, ऐसे आपका बारीक सा इतना ही इधर नीचे ले लीजिए, ये आपका हो गया है। ये फर्स्ट आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब क्या करना है आपको, इसका थोड़ा और लंबा कर लेते हैं इसको। अब कंपास लेना है, अपने कंपास को क्या है, ये जो बिंदु इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, यहाँ पे रखना है, इसको कहीं पे भी सेट कर लेना है। जैसे मान लो आपकी ये, मैंने यहाँ इतना सेट कर लिया, फिक्स रखना है। ये जो पहली जो आपकी चाप है, ये क्या है, आपको फोकल देंगी, यानी फोकल पॉइंट देंगी, फोकस पॉइंट। ये सेकंड आपका 2F नोट, इतना काफ़ी है आपका। इसी तरह आपका दाई तरफ आप इसको, ये आपका एफ नोट है, काफ़ी हमारा दिखाओ या मत, बस बहुत काफ़ी है हमें, मेन क्या चाहिए, एफ नोट चाहिए। आप इसको लेबलिंग कर सकते हैं, मान लीजिए आपका हो गया एफ नोट, ये भी क्या आपका एफ नोट। इसके बाद क्या करना है, हमें सबसे पहले जो आपका ये क्या है, टीनी ऑब्जेक्ट लेना है। तो ऑब्जेक्ट को आपको पता है कहीं पे भी आप रखिए, हम मान लेते हैं यहाँ ले लेते हैं आपका ऑब्जेक्ट जो है, दो लाइन के अंदर आपको ऑब्जेक्ट ले लीजिए इस तरह से, मैंने एफ नोट और 2F नोट के बीच ले लिया है। और आपको पता है जब भी एफ नोट से आप बाई तरफ रखेंगे, इमेज हमेशा आपकी रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो फिर क्या करते हैं, आपका जो नियम हो क्या कहता है कि सबसे पहली जो रेज है आपकी
वो कहाँ से जाएगी आपकी, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके बिल्कुल पैरेलल जाती है। देखिए इस तरह से यहाँ तक लेके आनी, यहाँ तक आप लेके आए, वो कहाँ से पास करा देनी, इसको फोकस से पास करा देना है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पास कराना है, ये पॉइंट आपका, ये पॉइंट आपका, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पास इस तरह करा देना है। तो सेकंड वाली जाएगी आपकी इस पॉइंट से, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पे, ये ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पे, ये आपका पॉइंट है, इससे पास करानी है आपको, बिल्कुल बारीक काम करना है, आपको पेंसिल यूज़ करनी है ताकि कोई चेंज हो तो आप उसको आराम से इरेज कर सकते हैं। अब देखिए हमारी जो इमेज फॉर्म हुई, जहाँ पे दोनों मिलेंगी वहाँ हमारी इमेज फॉर्म होगी, बिल्कुल बारीक इस तरह से। मान लीजिए यहाँ पे दोनों मिली, तो हमारा जो ये पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हुई है, तो इमेज के लिए क्या है हम ले लेते हैं, बिल्कुल पैरेलल है ये आपका, ये इस तरह से, ये देखिए दो लाइन में ऑब्जेक्ट था, देखना मैग्नीफाइंग इमेज में तीन लाइन में आपको ऑब्जेक्ट मिला है। अब आप इसकी दिखा सकते हैं, ये आपका पहला ऑब्जेक्ट था जो आपका रियल ऑब्जेक्ट था, अभी ये हमारा क्या इमेज है, तो अब इसको बाद में लेंगे, ये जो हमारा पॉइंट, हमारा ये पॉइंट है। अब क्या करना है आपको, रेज कोर्स दिखाना, तो रेज कोर्स क्या था, कैसे रेज गई, देखिए इस ऑब्जेक्ट की रेज ऐसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस ऑब्जेक्टिव सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई है। तो अब हमारा इसका आप नेम दे सकते हैं यहाँ पर, जो आपका ये C1 से दिखा देता हूँ, C1 क्या है आपका ऑब्जेक्टिव की ऑप्टिकल सेंटर है। अब हमें क्या करना है, जो सेकंड वाला लेंस लेना है वो क्या था, मॉडरेट फोकल लेंथ का लेना है, जो आई पीस के लिए है, तो यहाँ ले लेते हैं, ये कम से कम चार लाइन में ले लीजिए, थोड़ा डायग्राम बड़ा दिखाई देगा, साफ सुंदर डायग्राम दिखाई देगा आपको, इस तरह से ले लेते हैं, मान लो चार लाइन में ले लिया है। अब आपका जो लेंस ड्रा करेंगे ये लीजिए, ये सेकंड वाला आपका क्या है आई पीस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ये है सेकंड, इसको हम C2 से दिखाएंगे, आप लिख सकते हैं C2 या बाद में लिख लेते हैं। अब क्या करना है, पहले बिल्कुल वही काम करना, अब थोड़ी देर इसको भूल जाना है। अब क्या हमारा ऑब्जेक्ट, इसको मान लेना ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है कन्वर्जिंग लेंस है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर अपनाना है, लेकिन क्या उससे पहले आपको क्या चाहिए, इस लेंस का आपको निकालना क्या है, फोकल पॉइंट निकालना है, फोकस पॉइंट निकालना है। तो देखिए क्या करना है, हमें पता है इमेज को मैग्नीफाइड करना है, तो इमेज मैग्नीफाइड कब मिलती है, जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं, तो इस लेंस का जो फोकस पॉइंट है यानी FE है, इस तरह लेना कि इसके बीच में आइए आपका, मतलब मैं इधर ऐसे ले लेता हूँ, ये आपका इधर इतना ही आपका इधर, ये जो पॉइंट मिला हमारा इसका हम नाम दे देते हैं, ये हमारा क्या है FE है, ये क्या हमारा FE है, यानी कि जो आई पीस है उसकी क्या है फोकल पॉइंट है। अब वही काम करना है इमेज फॉर्मेशन का, जैसे हम करते आ रहे हैं, देखिए फर्स्ट रेज क्या जाएगी, वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, मान लो ये था हमारा, आपको पेंसिल यूज़ करनी है, आपको विजिबल हो इसलिए मैं क्या है यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए आपका देखिए बिल्कुल इस तरह लेके जाना है, यहाँ पे यहाँ तक ले जाना, कहाँ से पास होता है ये फोकस तक लेके जाना है, ये फोकस आपका, पॉइंट टू पॉइंट पास करना है यहाँ को, बिल्कुल इस तरह लेके जाना है। अब इसको बढ़ाएंगे अभी बाद में, अभी नहीं, तो देखिए इसके बाद क्या करना है, सेकंड वाली कहाँ से पास करते हैं, ये आपके ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये पॉइंट है आपका और ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से क्या ध्यान रखना है, रेज जो होती है आपकी बिल्कुल स्ट्रेट पास होती है, बिल्कुल स्ट्रेट पास होती है, बिना रुके बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। अब देखिए इधर स्पेसिंग बढ़ रही, तो हमारी जो इमेज फॉर्म होगी कहाँ होगी, इस तरफ होगी, तो इसमें समस्या क्या आती है बच्चों को, जब इनको दोनों को बढ़ाते हैं तो कई बार क्या इस लेंस के पीछे मिलते दिखाई देती है, वे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमारी इमेज नहीं बन पा रही है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्या करना है, इस वाली को जो आपको बढ़ा देना है, इसको आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक ले आती, मान लो मैक्सिमम क्या करना है,
आप कोशिश करनी है आपको कि जो आपकी इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ बन जाए, इस लेंस से पहले बन जाए। अगर आपको बढ़ाने के बाद भी आपको देखिए जैसे मिलती दिखाई दे नहीं रही है यहाँ पे आके जाके, तो करना क्या है आपको, पहले से ही यहाँ के आसपास देख लीजिए अपना इस तरह से, देखिए कम से कम आसपास यहाँ ले लीजिए, और ये जो आपकी है मान लो मैं इसको यहाँ बढ़ा देता हूँ इस तरह से, इस लेंस से पहले ले लेना है, मान लो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये आपका आ गया है, इसको जब बढ़ा रही है आप देखिए, देखिए क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल स्ट्रेट पास करनी है आपको, बिल्कुल यहाँ तक ले आए, और ये आपकी क्या है पहले ही आप आसपास ले रही, क्योंकि क्या बिल्कुल स्ट्रेट ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल हमें एक्सप्रेशन निकालना है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बिल्कुल यहाँ मिले आपका दिखाई दे। और सेकंड वाली जो ये वाली आपकी है, ये जो आपकी फोकस से पास हुई थी, इसको क्या कर देना है इसी पॉइंट पे मिला देना है, ये पॉइंट कहाँ पे आया हमारे यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मिला दीजिए इसको बिल्कुल ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आप जब कंपास का यूज़ करेंगे पेंसिल यूज़ करेंगे तो बिल्कुल आपका ठीक बनेगा आपका, ऐसे यहाँ पे आपके पॉइंट मिल गया। तो ये हमारा डायग्राम अब तैयार है, जो हमारी फाइनल इमेज बनी है वो आपकी कौन सी है, ये वाली बन गई है आपकी फाइनल इमेज। अब आप लगा दीजिए ये आपका ये एरो, एक एरो ये था आपका, अब हम करते हैं इसकी नेमिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं, रेज कोर्स दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या था, इसके लिए क्या फर्स्ट क्या किया आपने, ये ऑब्जेक्ट लिया, उसकी जब इमेज बनी यहाँ बनी, अब सेकंड के लिए इसको भूल गए, अब ये ऑब्जेक्ट है ये आपका आई लेंस है, इसके लिए क्या फर्स्ट रेज, ये देखो आपकी कहाँ गई, इस तरह से आपकी यहाँ से गई, और जो सेकंड वाली कहाँ से पास हुई, आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई इस तरह से, दोनों के दरबार आने पे अपीयर्स टू बी मीटिंग हियर, हियर इज़ द फाइनल इमेज। अब नेमिंग करते इसकी जो है, तो देखिए इसको नाम देते ए बी, ये हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट था ए बी, ये हमारा क्या है जो ऑब्जेक्टिव की वजह से इमेज फॉर्म हुई, ये आपकी मान लीजिए ए डैश बी डैश, और ये जो हमारा इधर वाला है इसके लिए नाम टेक देते हैं, ये क्या आपका ए डबल डैश, ये हो गया आपका बी डबल डैश, तो ये हमारा क्या यहाँ पे सी वन था, तो ये हमारा क्या होगा आपका इधर वाला, ये ऑप्टिकल सेंटर सेकंड के लिए आई पीस के लिए सी टू ऑप्टिकल सेंटर हो गया है। अब हमारा जो हमें क्या था, ये देखिए इमेज हमेशा कहाँ फॉर्म होती है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन पे होती है। अगर मान लो इसको देखेंगे, अभी मैं डिफाइन करूँगा आपको दिखाऊँगा, तो ये हमारा जो डिस्टेंस है इधर दिखा देता हूँ, ये देखिए ये जो आपका है ये जो पॉइंट है, मान लो हम लेते हैं ए यहाँ पे ये पॉइंट, और ये जो आपका इमेज जहाँ फॉर्म हुई है ये डिस्टेंस, ये क्या है डी है आपका डी, दिस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, ये ऐसे लिख देते हैं इस तरह, और हमारा जो है क्या है इसको, ये आपका पहले डायग्राम पूरा हो गया आपका, अभी जो टॉम इसका नाम क्या हमारा, ये है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, लिख दीजिए ये क्या है इधर वाला सर्च कर देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ये है ऑब्जेक्टिव, ये कौन सा हमारा आई लेंस या आई पीस, आई पीस कह लो आई लेंस कह लो इसे। अब हमारा जो है देखिए ऊपर वाले जो यहाँ पे आपका क्या था, अगर मैं दिखाऊँ ये आपका यहाँ से देखो, ये जो आपकी है यहाँ ले लेता हूँ ये, और ये आपका यहाँ तक का था आपका ये एफ नोट था, और यहाँ से लेके जो आपका इधर वाला है आपका ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका इधर, और यहाँ तक थोड़ा दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, देखिए लेबलिंग में हमारी ज़रूरत पड़ेगी इसकी ये वाला, तो हमारा ये क्या है, ये आपका है एफ ई नोट है, एफ ई सॉरी एफ ई, हम इस तरह दिखा सकते हैं, ये एफ ई है, ये क्या आपका एफ नोट, ये फोकल डिस्टेंस है, दिखा देते इससे,
क्योंकि हम जब एक्सप्रेशन निकालेंगे इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा, अब देखना हमारा जो ये एंगल होता है हमें पता है, मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन करेंगे, अभी बताता हूँ आपको। तो पहले डिफाइन कर लेते, पहले हम बताते हैं देखो क्या है ये। ये दायरा हमको इस तरह ले लेते हैं, ये देखिए आपका, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करना है इसको, मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, कंपाउंड लेंस की। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, फाइनल इमेज एंड ऑब्जेक्ट ऑन आई, आई व्हेन बोथ आर प्लेस्ड, प्लेस्ड एट लीस्ट, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ विजन। देखिए अब देखिए मैंने कहा एंगल है रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय, और हमारे इसका फॉर्मूला होता है जो आपका होता है एम से दिखाते हैं इसको, स्मॉल एम से, ये आपका होता है बीटा बाय अल्फा होता है। अब देखिए डायग्राम वापस आते हैं, तो देखिए क्या है आपकी जो फाइनल इमेज हुई है, डी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन, उसने कहा दो बोथ, देखिए रेशो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एंड ऑब्जेक्ट ऑन आई व्हेन बोथ प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट इमेज। तो एंगल हमारा पहले वाला एंगल तो आपका ये हो गया, इधर वाला ये वाला हो गया, देखिए फाइनल इमेज ये है आपका, तो एंगल हमारा बीटा, ये दिखा दिया हमने बीटा। जो सेकंड वाला है आपका जो अल्फा है, वो ऑब्जेक्ट हमारा ये वाला है, देखिए मान ली ये आपका जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देना है आपको, करना क्या है हल्का हल्का इसको क्या करना है आपको, इस तरह ऊपर बढ़ा देना है, रोटी लेना है वैसे दिखाया आपको दिखाने के लिए, इस तरह से आपको बिल्कुल ऐसे, यानी कि दो लाइन का देखिए यहाँ पर, तो यहाँ तक इसको ले जाना है यहाँ तक, और इसको क्या है आपका अगर आप बढ़ाएंगे रोटी, देखिए आपका इसको यहाँ मिला देते हैं, ये जो आपका है ये देखिए सी पॉइंट पे मिला दो, ये वाला ऐसे डोटी डोटी बिल्कुल बारीक आपका इस तरह मिला देना है ऐसे। अब ये हो गया आपका, ये ऑब्जेक्ट था, अगर थोड़ा इसको मैं बढ़ाता हूँ यहाँ तक आपका, क्योंकि सेम है आपका ये इस तरह से। तो देखिए ये जो हमारा है ये यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ए बी था, तो इसकी जो इमेज बनी इसको मान देते हैं यहाँ पर ए डैश, ए डैश या ए वन लिख देते हैं, क्योंकि ए डैश तो यूज़ करें, ए वन बी डबल डैश, ये क्या है इस ऑब्जेक्ट की इमेज है जो लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन पे है। तो जो ये एंगल है, ये जो एंगल हमारा इधर वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इसको दिखाते हैं अल्फा से, अल्फा से इन दोनों की जो रेशो है, एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज एंड एंगल सबटेंडिंग बाई द ऑब्जेक्ट, दोनों जब कहाँ पे हो, लिस्ट डिस्टेंस हो, डिस्टिंग विजन पे हो, डी पे हो, तो इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। तो हमारा क्या है डेफिनेशन, रेशो ऑफ एंगल सबटेंडिंग बाई फाइनल इमेज एंड ऑब्जेक्ट एंड ऑन आई व्हेन बोथ आर प्लेस्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो हमें क्या है अब इसकी मदद से, इसकी हेल्प से क्या है, डायग्राम की हेल्प से आपको क्या निकालना है, इसका एक्सप्रेशन निकालना है। पहले आपने डायग्राम ड्रा कर दिया है, ये आपका डायग्राम था, अब हमें करना क्या है आपको
एक्सप्रेशन निकालना है इसका। तो एक्सप्रेशन की क्या है, देखिए आप, एम इज इक्वल टू बीटा बाई एल्फा, हम क्या मान लेते हैं, एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एज एंगल आर वेरी स्मॉल, देन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देन जो आपका बीटा है वो अप्रोच करेगा टेन बीटा को, और जो अल्फा है अप्रोच करेगा टेन अल्फा को। इसको हम बोल देते हैं, जो हमारी इक्वेशन जो बनेगी हमारी, अब क्या बनेगी, एम हो गया आपका टेन बीटा बाई टेन अल्फा। इसको आप नेम दे देते, इसका नाम क्या हो गया आपके, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन बन गया आपकी जो है। अब हमें निकालना है टेन बीटा टेन अल्फा बाय यूजिंग दी दिस डायग्राम। तो देखिए टेन बीटा कैसे निकालेंगे, डायग्राम में देखिए आप ट्रायंगल लेंगे कौन सा, ए डैश बी डैश सी टू, फ्रॉम ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी टू। तो टेन बीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए डैश बी डबल डैश ए डबल डैश बी डबल डैश सी टू बी डबल डैश। देखिए ध्यान से, ये बीटा एंगल है तो क्या ए डबल डैश बी डबल डैश वही हो गया आपका बेस सी टू बी डबल डैश। इसी तरह क्या करना है आपको, टेन अल्फा निकालना है, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे आपको, ऊपर वाला, फ्रॉम ट्रायंगल ए वन बी डबल डैश सी टू। देखिए ए वन बी डबल डैश सी टू, तो ये क्या होगा आपका ए वन बी डबल डैश बाई सी टू बी डैश। तो हमारा जो टेन अल्फा होगा वो हो गया आपका ए वन बी डबल डैश बाई सी टू बी डबल डैश। और आपको पता, देखिए जो आपका ए वन जो बी डैश, देखिए ए वन डबल बी डैश किसके बराबर है, बिल्कुल ए बी के बराबर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, ये क्या आपका ए बी बाई में सी टू बी डबल डैश। तो हमारा जो मैग्नीफिकेशन होगी, जो फर्स्ट इक्वेशन लेंगे फ्रॉम वन वी गेट, जो आपका एम होगा वो क्या हो गया आपका ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश बाई सी टू बी डबल डैश बाई ए बी सी टू बी डबल डैश। सी टू बी डबल डैश कट जाएगा तो क्या बचा आपका, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी। तो हमारा क्या है, देखिए ये जो आपका है, मैंने आपको पहले बताया जब दो लेंस एक साथ लेते हैं तो उनकी मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई हो सकती है। तो हमारा जो डायग्राम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा क्या आई लेंस है। तो अगर इसकी एम नोट मान लें मैग्नीफिकेशन, इसकी एम ई मान लें, तो नेट हमारा क्या आना है, एम इंटू एम नोट। तो इसको लाने के लिए क्या है, ये जो आपका टर्म है मैंने यहाँ पे निकाली है, तो इसको क्या करूँगा मैं आपको देखिए, अगर मैं इसको ए डबल डैश बी डबल डैश ये दिया है, इसको ए डैश बी डैश ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब आप कहेंगे मल्टीप्लाई क्यों किया, तो देखिए हमारे जो एक्सप्रेशन में आपके डायग्राम में देखिए, यहाँ पर ए बी की जो इमेज बनी थी ए डैश बी डैश बनी थी, तो ए बी के लिए जो इमेज है वो क्या ए डैश बी डैश है, वही सेकंड आई लेंस के लिए ए डैश बी डैश क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और ए डबल डैश बी डैश क्या है इसकी फाइनल इमेज है, और दोनों की जो मैग्नीफिकेशन हो क्या मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये हमारा क्या, देखिए ये है मैग्नीफिकेशन, इनमें देखना चाहता हूँ, ये क्या आपका एम हो गया आपका एम ई, और ये क्या हो गया आपका एम नोट। आप सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हैं, यहाँ पर आप बता भी सकते हैं वेयर क्या है, वेयर जो एम ई है एम ई वो क्या है ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश, ये है मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई आई लेंस। और जो सेकंड है आपका एम नोट है वो क्या है ए डैश बी डैश बाई ए बी, ये क्या है
मैग्निफिकेशन है, प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो इस तरह से क्या है आपका ये जो मैग्निफिकेशन है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं अगर इसको आगे बढ़ाते हैं इस एक्सप्रेशन, कई बार इसकी आगे पूछ ली जाती है तो कैसे करना है। लाइन ड्रा कर लेते हैं, देखिए हमारा जो आर्टिकल आया आपका यहाँ तक कितना आया, आपका जो एम आया वो क्या आया, देखिए ध्यान से, आपका एम आया वो आया एम ई इंटू एम नोट। हमें पता है देखिए क्या आपका आई एम ई, आई लेंस के लिए जब आई पीस के लिए निकाला था, सिंगल लेंस के लिए जब निकालते हैं तो हमें पता है वी नो जो आपका एम ई होता है यानी मैग्निफिकेशन ड्यू टू प्रोड्यूस बाय आई लेंस ओनली, एक सिंगल लेंस लेते कन्वर्जिंग, तो हमारा एक्सप्रेशन आया था 1/d/f(e) आया था, ये एक्सप्रेशन आया था, ध्यान हुआ आपको। तो अब एक क्या है, हमें दिया गया है, हमें भी पता है कि हमारा जो एम नोट है जो मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है आपका a'b'ab, आप लिख भी सकते हैं ये क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ इमेज a'b' फ्रॉम c1 है, और जो नीचे वाला आपका है वो क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी फ्रॉम c1, इसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ आपका ये है c1b'। आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, देखिए आपका देखिए c1b', तो c1b' क्या है आप देखे जाए तो देखिए आपका ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज बनी है ऑब्जेक्टिव की, ये डिस्टेंस, ये क्या होता है आपको पता है हमारा ऑब्जेक्टिव का डिस्टेंस है, यानी वी नोट से दिखा सकते हैं। और जो हमारा यहाँ से c1b कितना है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है इससे दिखाते हैं, आप इसको दिखा भी सकते हैं चाहे तो आप, ये कितना है आपका देखिए ये वाला आपका है यू नोट ऑब्जेक्टिव का, ये जो यहाँ से लेके हम दिखाता हूँ आपको, ये आपका कितना है यू नोट है यहाँ से लेके यहाँ तक, रोटी दिखा सकते हैं ऐसे, ये देखिए ये आपका है यू नोट, और जो हमारी इमेज बनी ये वाला डिस्टेंस हमारे यहाँ तक, अगर मैं दिखाऊँ इसको यहाँ तक ऐसे आपका, ये कितना आपका जो इमेज बनी है किसके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए, तो हम कह सकते हैं ये कितना हमारा, ये आपका है वी नोट, वी नोट। तो हमारा जो यहाँ पे आर्टिकल आया देखिए c1b', तो c1b' कितना हमारा c1b' ये वी नोट है, और c1b कितना है माइनस यू नोट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपके जो ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट होता है ऑब्जेक्ट उसके लिए नेगेटिव यूज़ करते हैं, और जो इमेज फॉर्म हुई है आपकी राइट तरफ राइट को हुई है, और जो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ था लेफ्ट में था, तो ये हमारी मैग्निफिकेशन होगी वी नोट बाई माइनस यू नोट। ये हमारी इक्वेशन सेकंड थी, पीछे भी लिखा था, तो हमें क्या पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन टू वी गेट, देख सकते हैं आप रखेंगे तो जो हमारी टोटल मैग्निफिकेशन वो क्या एम ई, तो एम ई कितना हमारा ये है, और एम नोट कितना है वी नोट बाई में यू नोट माइनस का, तो लिख दिया आपका वी नोट बाई यू नोट ये नेगेटिव, और आपका 1 में d/f(e), तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आती है, फॉर्मूला जो आपका ये किसके लिए है
इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको अगर बात करें मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखा हूँ तो वी नॉट यू नॉट आप इस तरह लिख सकते हैं, और आपको ये कितना है 1 pulse d/fv, दिस इज़ द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो आप इसको यहीं ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है आपका एक स्पेशल केस पूछ लिया जाता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट है जो आपका ऑब्जेक्ट ए बी लाई वेरी क्लोज टू एफ नॉट, यानी हमारे फोकस के जो ऑब्जेक्ट उसी बहुत पास लाई करता है, तो जो कंडीशन बनती है उस केस के अंदर आपका क्या होगा, हमें क्या फार्मूला होता है, कई बार प्रूव करना आ जाता है। जैसे क्या है आपका इस तरह से आता है, मैं देख देता हूँ, आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ लेंगे कि मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस जो है आपको सिद्ध करना है ये आपका एल बाई माइनस एफ नॉट इसके बराबर लेके आओ, इसके बराबर आपको पूछ लेते हैं। ये मैग्नीफिकेशन भी क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की होती है। तो अगर ऐसे पूछा जाए इसको कैसे निकालना है, तो देखिए यहाँ तक ठीक है, इससे आगे चलना है आपको क्या करना है, मान लिखेंगे एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम मानते हैं ए बी लाइज इस स्पेशल केस है वेरी क्लोज टू एफ नॉट, तो जो आपका ये जो म्यू नॉट होगा जो सॉरी यू नॉट होगा जो आपका ये क्या होगा सी वन बी, ये अप्रोच करेगा आपका सी वन एफ नॉट, अप्रोच करेगा ये एफ नॉट को अप्रोच करेगा, या ये बोलेंगे फोकल लेंथ किसकी ही, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो आपका जो ए डैश बी डैश बनेगा जब मान लो आपका, तो देखिए ए बी जब लाई वेरी क्लोज टू एफ नॉट पे करेगा, यानी इसका मतलब फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो जो ए डैश बी डैश कहाँ फाउंड होगी, वेरी क्लोज टू आई लेंस इज फाउंड वेरी क्लोज टू आई लेंस। तो जो आपका जो वी नोट होगा, जो आपका वी नोट होगा ये क्या करेगा सी वन बी डैश को अप्रोच करेगा, और ये क्या सी वन सी टू में मान सकती है क्या होता है आपका एल लेंथ ऑफ, जो एल क्या है जो माइक्रोस्कोप आपका कंपाउंड इसकी लेंथ होती है, इसको अप्रोच करेगा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब। तो इस केस में क्या होगा आपका जो इक्वेशन थ्री आई है आपकी इक्वेशन इन दैट केस, सो फ्रॉम तो इक्वेशन थ्री विल बिकम क्या हो जाएगी आपकी जो मैग्नीफिकेशन होगी, देखो एम भाई वी नोट ने अप्रोच किया किसको एल को, और जो वी नोट आपका जो यू नोट है यानी कि आपका इसने किसको अप्रोच किया एफ नोट को, तो ये क्या हो गया आपका 1 pulse d/fv। तो आपका जो मेन आर्टिकल इसको आपका जो मेन मैग्नीफिकेशन क्या हो गया आप लिख सकते हैं एल एफ नॉट 1 pulse d/fv। आप चाहो तो इसको बॉक्स में लिख सकते हैं, लास्ट में कोई भी जो आर्टिकल निकालते हैं उसको अगर आप बॉक्स में बना के लिखोगे तो जो एक्सप्रेशन होता है आपका चेक करने वाले पे अच्छा पड़ता है। तो ये था आपका ऑल अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले क्या किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपने इसको डिफाइन किया व्हाट इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप बता दिया, उसके बाद क्या है आपको डायग्राम बना लेना है, अच्छे तरीके से डायग्राम बना लेना है इनकी जितनी भी रेज कोर्स है उसको आपको, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये आपका रह गया यहाँ पे क्या, जैसे मान लो फर्स्ट रेज पैरेलल गई ये रेज क्या आपकी इधर से ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, ये होता है रेज कोर्स बोलते हैं इसको जो है, ये बना लेना। इस तरह आपको डायग्राम बनाने के बाद इसकी हेल्प से आप बड़ी आराम से क्या देखो मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन कर पाए, मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन करने के बाद इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल लेना है। अगर आपसे पूछा जाए जैसे मैंने अभी बताया इसके इक्वल आपको प्रूव करना है, जैसे मान लो यहाँ पे इसके इक्वल प्रूव करना था तो आपको तभी आगे करना है, नहीं तो आप चाहते ये जो आपका है आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं इक्वेशन थ्री पे लाके, आपका जो मैग्नीफिकेशन है इतना काफ़ी है, अगर इसके इक्वल प्रूव करना है तो आप इसको आगे जारी कर सकते हो। तो ये था आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।